नमस्कार, मैं हूं शबीना परवीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। बीबीडी स्मार्ट मार्केट के मैनेजिंग डायरेक्टर ने भीषण ठंड से बचाव के लिए गरीबों को ओढ़ाया कंबल। खबर जनपद बलिया के बेलथरा रोड से। दान एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा हम न केवल धर्म का पालन करते हैं बल्कि समाज एवं प्राणी मात्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन भी करते हैं। दान उन्नति का बीज है। जैसे भूमि में फसल लगाने के लिए बीज बोना पड़ता है, उसी प्रकार सभी प्रकार की उन्नति अथवा ताप के शमन के लिए भी दान रूपी बीज बोने की आवश्यकता पड़ती है। उत्तर प्रदेश के इस बागी धरती बलिया के इकलौता बेलथरा और बीबीडी स्मार्ट मार्केट के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रवीण नारायण गुप्त ने आज शुक्रवार की देर शाम तक बेलथरा और नगर पंचायत सहित ग्रामीण अंचल के अति गरीब, बेसहारा, लाचार, बेबस और जरूरतमंद लोगों में इस भीषण ठंड, सर्द भरी तेज हवाओं से बचाने के लिए करीब 600 लोगों को कंबल वितरण कर नेक पहल का शुभारंभ किए। कड़ाके की ठंड जो पड़ रही है, हर तरफ जो हार कपा देने वाली ठंड है और गरीबों के लिए जो इस ठंड में जो जीना मुश्किल होता है, इसी को देखते हुए आज जो बीबीडी स्मार्ट बाजार के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रवीण नारायण के द्वारा जो है कंबल वितरण का यहाँ कार्यक्रम रखा गया। बीबीडी स्मार्ट बाजार यहाँ पे देख सकते हैं जो है सैकड़ों की तादाद में जो गरीब तबके के लोग मौजूद हैं जिन्हें ठंड के मौसम में उनके पास जो है जरूरी संसाधन नहीं है, तो यहाँ कंबल वितरण के लिए। नूर मोहम्मद जी, आप कहाँ हैं? बाजार में। क्यों आए थे यहाँ? कंबल के लिए। आपको मिला? क्या कहेंगे कंबल मिलकर के, खुश हैं? निकाय चुनाव के इस तेज सरगर्मी के दौरान जनसंपर्क में आम जनता के बीच नियमित निकल उनकी जन समस्याओं का आकलन कर उसके निदान की जज्बा लेकर प्रयत्नशील रहने वाले युवा समाज सेवी प्रवीण नारायण गुप्त दो दिनों से चल रहे इस भीषण ठंड को देखते हुए नगर पंचायत के बीबीडी स्मार्ट मार्केट में देर शाम तक करीब 600 गरीब, असहाय, लाचार, बेबस और जरूरतमंद लोगों को कंबल मुहैया कराया। इस दौरान गरीब, असहाय, ठेला, खुंचा और फुटपाथ के दुकानदार सहित जरूरतमंद लोगों ने कंबल पाकर खुशमिजाज नजर आए। लालसा राम जी, कौन वार्ड में घर? चार। कंबल मिला तो ओके? हाँ मिला। का कहो? का नाम बताई तब ना। कुछ बताई, कंबल मिला तो खुश वाली ना? हाँ खुश वाली। इस दौरान बीबीडी स्मार्ट मार्केट के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रवीण नारायण गुप्त की इस नेक पहल के लिए उनकी अपनी सोच है कि दान की महिमा तभी होती है जब वह निस्वार्थ भाव से किया जाता है। अगर कुछ पाने की लालसा में दान किया जाए तो वह व्यापार बन जाता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि देना उतना जरूरी नहीं होता जितना कि देने का भाव। अगर हम किसी को कोई वस्तु दे रहे हैं लेकिन देने का भाव अर्थात इच्छा नहीं है तो उस दान का उसका कोई अर्थ नहीं। क्या कर रहा हूँ? वार्ड में? अरे पुराना कारखाना वार्ड नंबर 7 में। हाँ ये बता दे। साल का पहलू का मरा पहलू? खुश बाड़ू ना? हाँ वो बच्चा लोग खुश बाड़ू तो हने लोग जीत बचा हो बच्चा लोग। संगीता? संगीता कौन से वार्ड? वार्ड नंबर 7। आज कहाँ है? जगह टोला तो बीबीडी स्मार्ट बाजार में है। कंबल मिला आपको? हाँ। इस दौरान उन्होंने कहा, आज शुक्रवार को इस सर्द भरी मौसम के बीच भीषण ठंड से बचाव के लिए जरूरतमंद लोगों को कंबल मुहैया कराते वक्त मुझे बेहद खुशी का इजहार हुआ। हम नारायण को भैया प्रवीण को हम वोट देंगे। है है? ना 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 भैया, यही बात नहीं है भाई। हम महल्ला कहीं पूरा हमने का एकदम पूरा महल्ला ठंड ठंड में कम्बल मिलल एक तरीका से खुश बड़ा ना। अरे भैया कम्बल का बात नहीं है, हम पूरा हमारे पूरा महल्ला का आदमी एकदम संतुष्टि बटे प्रवीण भाई निकले भेरी। के दान करने से बड़ा दूसरा कोई परोपकार और पुण्य का काम नहीं होता। ऐसी ताजा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ। भारत मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। खुश बड़ा? हाँ हाँ खुश बने। ठंडा तो बहुत बा। हाँ ऐसे कुछ आराम मिली? हाँ आराम बा।